everyone and welcome to this video. I am Aryan Khatri and I hope you are all doing well. I welcome you all to this video जहाँ पे हम solve करने वाले हैं olive board का आज का mock. जैसा कि आप screen पर देख सकते हैं olive board website हर Saturday को SSC CGL exam के लिए tier 1 का mock कराती है. तो इस mock का जो है हम English का section आज solve करने वाले हैं. अगर आपने ये mock अभी तक attempt नहीं किया है तो आप पहले इस मॉक को कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आंसर्स बताऊंगा. सेकेंडली, इस मॉक में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से एक एडवांस्ड अप्रोच रखनी चाहिए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय. क्या एक स्मार्ट तरीका है जिससे कि ना कि आपके क्वेश्चंस सिर्फ सही हों बट जल्दी हों, क्योंकि आपका टीयर वन बहुत ही छोटा होता है टाइम वाइज. आपका एक घंटे के टाइम में आपको चार सब्जेक्ट्स फिनिश करने होते हैं. सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट. मैं आपको टेक्निक बताऊं जिसमें आप 10 मिनट के अंदर अंदर इंग्लिश का जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करो, जिससे आप मैथ्स और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर पाओ. साथ ही आपको मैं बताना चाहूँगा हमारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में. देखिए, आप सब मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश GK पढ़ते रहते हैं एंड टाइपिंग को मिस कर देते हैं. कई स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम की वजह से उनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं मेंस में, बट देन वो उसके बाद भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि बेयर मिनिमम जो टाइपिंग का कट ऑफ है वो उनका पूरा नहीं होता है. सो ये प्रॉब्लम आपके साथ ना हो तो आप इसके लिए जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वेबसाइट, इस पे जाइए. एक डेमो फ्री है जो आप दीजिए टाइपिंग का. इसमें यहाँ पे आपको पैसेजेस मिलेंगे जो पुराने जितने भी SSC CGL CHSL में टाइपिंग टेस्ट हुए हैं उनसे ही क्यूरेटेड किए हुए पैसेजेस मिलेंगे. बेस्ट कंटेंट आपको टाइपिंग के मामले में इस वेबसाइट पे मिलेगा. इससे आप बस ज़्यादा नहीं, एक पैसेज भी अगर डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड जितनी चाहिए है उससे कहीं बेहतर होगी. ना कि सिर्फ स्पीड बट एक्यूरेसी के लिए भी, इसमें आपको मिस्टेक्स करेक्शंस वगैरह अच्छे से दिखेंगे. सो इन पैसेजेस को अटेम्प्ट करने से आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी होगी. तो इसको जल्दी से जाके रजिस्टर करिए. तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने मॉक की तरफ, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस को. आई होप आपको स्क्रीन यहाँ पे विजिबल होगी. अप्रोप्रिएट एंटोनिम चुनना है इनोसेंट का. इनोसेंट का मतलब होता है कोई सीधा साधा इंसान, और लॉ में अगर आप देखें तो होता है कि कोई इंसान जिसने क्राइम नहीं किया है वो इनोसेंट है, जिसने क्राइम किया होता है वो होता है गिल्टी. तो इसका एंटोनिम हो जाएगा गिल्टी. देन आपका ये पैसेज दिया हुआ है जिसको मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया आपकी बेटर विजिबिलिटी के लिए. एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड प्रोफेशनल सक्सेस इन वुमेन इन टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट्स. इसका सही होगा यहाँ पे डिपेंड्स नहीं होगा, क्योंकि प्लूरल है. अगर एक होता तो डिपेंड्स होता, लेकिन कई सारी चीज़ों की बात हो रही है, जैसे एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, प्रोफेशनल सक्सेस वगैरह की. देन नेक्स्ट वाला कह रहा है आपका, इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटीज मस्ट एंश्योर वुमेन एंड गर्ल्स गेट इक्वल डैश टू लर्निंग. इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए लर्निंग के लिए, बराबरी से मौका मिलना चाहिए. एंड उसके बाद थर्ड वाला, फुल स्टॉप स्ट्रैटेजी रखेंगे. एक फुल स्टॉप के बाद दूसरे फुल स्टॉप तक नहीं पढ़ेंगे, मतलब दूसरे फुल स्टॉप तक पढ़ेंगे. अगर यहाँ पे हो गया तो यहाँ तक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, फुल स्टॉप से फुल स्टॉप तक पढ़िए. इससे ज़्यादा मत पढ़िए एक बार में, बेकार में आपके ऊपर लोड आएगा. टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो ब्रेक द फिजिकल बैरियर्स एंड रीच द लास्ट माइल फॉर एवरी वुमन एंड गर्ल, प्रोवाइडिंग देम विद द डैश टू लर्न, ग्रो, अर्न एंड लीड, प्रोवाइडिंग देम विद द अपॉर्चुनिटीज. टेक्नोलॉजी जो है वो महिलाओं को और लड़कियों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर सकती है, लर्न करने की, अर्न करने की, लीड करने की, ग्रो करने की. फोर्थ वाला आपका कह रहा है, गिविंग वुमन इक्वल अपॉर्चुनिटी ना ही सिर्फ एक पाथवे है उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, पर एक डैश है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो ये एक स्ट्रैटेजी भी है, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो ना ही सिर्फ वुमेन को बढ़ावा देने से वुमेन की ही बढ़ोतरी नहीं होगी बट ऑर्गेनाइजेशंस भी ग्रो करेंगी. अप्रोप्रिएट इसमें फिल करना है, इंक्लूडिंग वुमेन इन टेक. वुमेन को जो है टेक में एनेबल इंक्लूड करने से बिजनेसेस को अलग अलग पर्सपेक्टिव्स की प्राप्ति होती है, तो बिजनेसेस कैन हार्नेस, प्राप्त कर सकते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को. काफ़ी आसान हमारा पैसेज था. देखिए, एक स्पीड अप्रोच रखेंगे, एक एडवांस अप्रोच रखेंगे. मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे स्पीड में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और कैसे क्वेश्चंस की एक्यूरेसी भी बनाए रखनी है. तो स्पीड में तो जाना ही है, बट हमें किन चीज़ों का स्पीड में भी ध्यान रखना है, ये चीज़ का बहुत खास ध्यान रखेंगे आज हम. इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड चुनना है. रिलायबल, रैम, रिजेंबल, रेडियस, देखते ही पता चल जाना चाहिए. रेडियस गलत है आपका, यहाँ पे स्पेलिंग में लिख दे रहा हूँ. मैथ्स वाले रेडियस की ये बात हो रही है, RADIUS, ये रही आपकी सही स्पेलिंग. आई होप आपको विजिबल होगी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से. ओके, ये विजिबल अभी होगा आपको, जस्ट अ सेकेंड, फिक्स दिस. आई होप ये विजिबल होगा अभी. इसमें आपको कोई सेंटेंस पैसिव का नहीं दिया है, बस आपको एक्टिव का सेंटेंस चुनना है कि एक्टिव कौन सा है. इसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक स्ट्रैटेजी बताई थी कि जब एक्टिव चुनना हो ये ध्यान रखना, जिस बंदे की बात हो रही है, जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट है,
वो पहले आ जाएगा, ऑब्जेक्ट जो होगा जिसके बारे में बात हो रही है वो बाद में चला जाएगा। तो डॉक्टर डॉक्टर के बारे में बात हो रही है तो जिसमें भी डॉक्टर पहले आ रहा है, इंट्रीगेट सर्जरी गलत, ही सेड, ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो गया, इंट्रीगेट सर्जरी गलत, डॉक्टर्स के बोली बात, कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ये बिल्कुल सही पैसिव सेंटेंस है। अगर हमें पैसिव पूछा गया होता तो दिस वॉज अ राइट नाइस गुड पैसिव सेंटेंस, बट हमें पूछा है एक्टिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा इस बात का कि पर्सन पहले आता है एक्टिव में, डॉग इन अ मैनेजर। देखो जल्दी से पढ़ो, अंडरलाइन क्या दिया हुआ है, इडियम है, मीनिंग ढूंढना है, पूरी बात पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। डॉग इन अ मैनेजर, इसका मतलब जो खुद अगर किसी चीज़ को एंजॉय ना कर पा रहा है तो दूसरों को भी एंजॉय ना करने दे। अगर आप मेरी वीडियो देख के एंजॉय नहीं कर पा रहा है वो कोई इंसान, तो आपको भी नहीं करने देगा। सो दिस विल बी द राइट आंसर, प्रिवेंटिंग अदर्स फ्रॉम एंजॉइंग वॉट ही हिमसेल्फ कैन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एडिक्वेट का मीनिंग पूछा गया है। एडिक्वेट का मतलब होता है हिंदी में पर्याप्त, यानी संपूर्ण मात्रा में, ठीक ठाक क्वांटिटी में। इसका सिनोनिम पूछा है, देखो ध्यान रखो, सिनोनिम हो जाएगा सफिशियंट, ठीक है, सफिशियंट। उल्टा पूछा होता तो मेजर भी हो सकता था, ये ध्यान रखिएगा आप। सिनोनिम पूछा है अगेन, सिनोनिम ऑब्जर्व, बात खत्म, इससे ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है कि क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं पूछा जा रहा है इसके आगे पीछे, ठीक है। अब सिनोनिम पूछा है ऑब्जर्व का, ऑब्जर्व करने का मतलब होता है किसी चीज़ को नोटिस करना, वेरी सिंपल। आगे बढ़िए, 87th, गिव इन द सेंटेंस पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है सेंटेंस। हाँ हाँ जी, आपको पैसिव वॉइस में करना है। जेट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय, जेट ने US एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑलमोस्ट दो सेंटेंस है, घबराना नहीं, आधा तोड़ो, एक बार में पहले वाला पढ़ो, उसको कन्वर्ट करो, ऑप्शन देखो, फिर दूसरे पे जाओ। बड़ा सेंटेंस ऑलिव बोर्ड ने पिछली बार भी दिया था, देख के परेशान नहीं होना है। जेट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द US एयरक्राफ्ट, तो जेट ने ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया US एयरक्राफ्ट को, US एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय हुआ था जेट द्वारा, द US एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बाय द जेट, वॉज ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड बाय द जेट, वॉज ऑलमोस्ट, दो सेंटेंस आई हैं, ये हटा दो, ये हटा दो, इन्हीं दोनों में अपना आंसर मिलेगा अभी अपने आप। बट द गवर्नमेंट डज नॉट गिव एन एक्सप्लेनेशन, पर सरकार कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही है, तो कोई एक्सप्लेनेशन सरकार द्वारा नहीं दिया जा रहा है, बट एन एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा था, नो रॉन्ग, जा रहा है, इज नॉट गिविंग एन एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुलेना सुजन आज, सुलेना पढ़ दिया मैंने, सुजन आज सेलेना हुम शी हैड आस्क्ड टू रिमूव द चेयर, और सुलेना पढ़ भी दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सुजन आज सेलेना हुम शी हैड आस्क्ड, सुजन ने सुलेना से पूछा कि उसने किसको कहा था चेयर रिमूव करने को, इसको इसमें करेंगे डायरेक्ट में, सुजन सेड टू सेलेना, सही है। हु हैव यू आस्क्ड, यू हैव का हो जाता हैव यू, हुम शी हैड, तो शी हैड का हो जाएगा हैड शी या हैव यू, ठीक है, और डायरेक्ट है तो हैव यू, यू हैव नहीं होगा, यू हैव नहीं होगा, हुम हैव यू नहीं होगा, हु हैव यू होगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं जल्दी से 89th की तरफ। गो टू बेड का सिनोनिम बहुत बार SSC पूछ चुकी है ये, प्लीज़ ये जो रिपीट हो रहे हैं इनको याद रखो। हिट द हे का मतलब होता है सोने जाना या बिस्तर को जाना। द प्रपोजल इज नॉट क्योर फॉर द प्रॉब्लम, क्योर फॉर द प्रॉब्लम क्या मतलब होता है, पनाशिया, आपकी ब्लैक बुक में टॉप 500 वर्ड्स SSC के में ये वर्ड दिया हुआ है, ध्यान रखिए। ऑल्सो ये बात ध्यान रखिए कि पारवेनू, एमनेस्टी, हैवन जैसे वर्ड्स जो इस बार नहीं है, अगर ये आपका आंसर तो अगली बार हो सकता है, इनके मीनिंग याद रखने ज़रूरी हैं। कमेंट करके आप मुझे बताएंगे पारवेनू क्या होता है, कमेंट करके आप मुझे, GS का क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए एमनेस्टी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, बहुत फेमस ऑर्गेनाइजेशन है ये। इन आवर कोर्ट यार्ड वी हैव अ डैश, हमारे पास एक डैश है कोर्ट यार्ड में, क्या है कोर्ट यार्ड में, जहाँ पे चिड़िया रहती हैं, देखिए ब्रैकेट में लिखा है। अब चिड़िया कहाँ रहती हैं, एली तो गली होती है, आर्काइव जो कुछ सामान वगैरह सेव करने की जगह, अब एपीएरी, एवीएरी में कोई भी कंफ्यूज हो सकता है, इट इज़ वेरी नॉर्मल, ट्रिक बता दे रहा हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप। एविएशन, एविएशन का मतलब होता है आपके हवाई जहाज, सिविल एविएशन की मिनिस्ट्री है, कौन मिनिस्टर है, कमेंट करो, नहीं भी कमेंट करो तो याद करो। देखो ये कमेंट करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप कमेंट करो तो कुछ होगा, आप याद करो कि कौन है एविएशन का, अभी आ सकता है, अभी चेंज भी हो सकते हैं 2024 इलेक्शन के बाद। तो एविएशन का मतलब होता है हवाई जहाज, प्लेन से उड़ना, कौन उड़ता है प्लेन की तरह, चिड़िया उड़ती हैं, तो एवियरी सही आंसर होगा। अब एपीएरी क्या होता है, आओ साथ में देख लो, एवियरी होता है 20, अब आप कहोगे उड़ती तो ये भी हैं, तो कन्फ्यूजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बट 20 बहुत नीचे उड़ती हैं, ऊंचा कौन उड़ता है, हवाई जहाज, और ऊंचा कौन उड़ेगा, चिड़िया, तो एवियरी, एविएशन, इससे आप याद रख सकते हो, ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बनाओ,
मैंने अपने टाइम पे भी प्रिपरेशन में बहुत ऐसी ट्रिक्स बना के चीज़ों को याद किया है। पैरा जंबल्स की बात करते हैं, सम से पैरा जंबल नहीं शुरू होता है, पहले बता चुका हूँ। दैट्स नॉट टू से इससे भी नहीं शुरू होगा, बी या डी से शुरू हो सकता है। पहले बी की बात करते हैं, बी ए सी डी। वाइल्ड लाइफ टेंड टू हैव अ वेरी डिफरेंट रिलेशनशिप विद फायर। वाइल्ड लाइफ का जो फायर के साथ एक रिलेशन है वो बहुत ही अलग है। ए सम हैव इवॉल्व, कुछ उसमें से उसके साथ जीना सीख गए हैं और कुछ फायर में भी थ्राइव करते हैं, बहुत अच्छे से जी जाते हैं। ओके, दैट्स नॉट टू से वाइल्ड एनिमल्स कॉल, इसका मतलब ये नहीं है। वाइल्ड एनिमल्स जो हैं वो फायर को दोस्त बोलते हैं, कुछ उसमें से भाग नहीं सकते हैं, जो तेज़ लपटें होती हैं उनसे, और छोटे और नन्हे जानवर जो होते हैं वो रिस्क पे होते हैं इसके। स्लो मूविंग जानवर जैसे कि कोआला जो हैं वो क्रॉल कर जाते हैं पेड़ के ऊपर और ट्रैप हो जाते हैं। क्या आपको मेरी स्टोरी में कुछ भी फ्लॉ लगा, कुछ भी फ्लो में गड़बड़ी लगी? बिल्कुल नहीं। अगर आपको मैं पहले कोआला के बारे में बताऊं फिर बोलूं कि वाइल्ड लाइफ का रिश्ता कैसा होता है तो डी तो गलत हो जाएगा। अगर आपको मैं पहले बताऊं कुछ जीना सीख गए हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, कौन किस बात से किस बारे में बात हो रही है भाई। अगर मैं बी और सी के साथ जाऊं तो मैं वाइल्ड लाइफ का बताऊं, उसके बाद मैं बताऊं कि दैट्स नॉट टू से वाइल्ड लाइफ, उसके बाद में बताऊँ, तो आप पढ़ के देख लो एक बार, मैं पॉज कर लो यहाँ पे, बिल्कुल भी सेंस आपको नहीं पता चलेगा। जनरली पैरा जंबल्स में ये होता है कि अगर आप इत्मीनान से धीमे धीमे पढ़ोगे जो सेंस होता है ना वो किसी और ऑप्शन में आपको मिलेगा ही नहीं। और एक ट्रिक और बता दे रहा हूँ, पैरा जंबल्स अगर सॉल्व ना हो पाए छोड़ दो, मार्क पर नेक्स्ट करो, लास्ट में आना इनके पास। कभी कभी दिमाग नहीं चल रहा होता है, पूरा ब्रेन यूज होने के बाद, मैंने हर एग्जाम में पैरा जंबल लास्ट में किए हैं आकर के, क्योंकि मुझसे नहीं समझ में आ रहे थे वो। एट द बेस ऑफ द पिरामिड, यहाँ से सेंटेंस नहीं शुरू हो सकता है। सेकेंडरी की बात पहले कैसे हो सकती है सेंटेंस में? नहीं हो सकता है। सेकेंड लेवल की बात पहले कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता है। मिल गया हमें अपना, दो ऑप्शन कट गए। अब देखते हैं डी ए सी बी। ट्रॉफिक लेवल्स जो होते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करते हैं फूड चेन्स की और एनर्जी कैसे एक इकोसिस्टम में फ्लो करती है। ओके, बेस पे पिरामिड के प्रोड्यूसर्स होते हैं। अब आप सोचोगे ये पिरामिड कोई और पिरामिड की बात हो रही है क्या, कुछ अलग है? नहीं, देखो ट्रॉफिक लेवल्स की बात हो रही है, ये बायो वाला लेवल्स है, तो ये पिरामिड है, लेवल सबके निकलेंगे वाला पिरामिड है ये, ठीक है? तो ये आपका पिरामिड बन गया यहाँ पे। अब ट्रॉफिक लेवल्स की बात हो रही है, इस ये लेवल है पूरा, लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री करके। अब इसमें कहा है कि बेस पे कौन होता है, तो बेस पे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ठीक है, गुड। फिर हर्बीवोरस जो है वो सेकेंड लेवल पे होते हैं, ठीक है, डी ए सी बी। और उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर जो है वो उसके बाद वाले लेवल पे होते हैं। देखो इसमें नंबर दिए हुए थे तो ये आपको थोड़ा आसान हो गया सॉल्व करना। बाउंटीफुल एंटोनिम, कुछ नहीं पढ़ना है, क्या कौन किसान, क्या विलेज, क्या विंटर, कुछ ध्यान नहीं दो। बाउंटीफुल का मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में होना, ज़रूरत से ज़्यादा होना। यह जनरली हम ये एग्रीकल्चर में जब खेती बाड़ी उसके लिए जो होता है हार्वेस्टिंग उसके लिए यूज़ करते हैं, यहाँ भी वही दिया है। तो बाउंटीफुल यानी ज़्यादा होना, उल्टा क्या होगा, कम होना क्वांटिटी से। डरावना नहीं, कच्चा नहीं, खट्टा नहीं, स्कार्स यानी कम। कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे कभी कभी दिए होते हैं ना कि आपको स्कार्स का मतलब ना भी पता होता तो भी आप कर ले जाते ये वाला ऑप्शन, राइट। ही लाइक्स पेंटिंग, डांसिंग एंड टू एक्सप्लोर वेरियस फॉर्म्स ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। अब तक आपको समझ में आ गया होगा, टू एक्सप्लोर कुछ नहीं होता है, इट इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरिंग। उसे डांसिंग पसंद है, पेंटिंग पसंद है, एंड ही लाइक्स एक्सप्लोरिंग, ठीक है। टू एक्सप्लोर ग्रामेटिकली गलत है, नहीं पता था, कोई बात नहीं, इसको आप नोट कर लो, अगली बार आप सही कर सकते हो। हैड शी कम्प्लीटेड हर होमवर्क शी वुड हैव गॉन, वुड हैव के साथ थर्ड लग जाएगा आपका, वुड हैव गॉन हो जाएगा आपका ये टू द मूवीज। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं तेज़ी से। ही टोल्ड मी दैट व्हाइल आई वाज डांसिंग, देखो अब मैंने गलती से टोल्ड मी ही पढ़ लिया क्योंकि टोल्ड टू मी कुछ होता भी नहीं है, ठीक है, ये सबकॉन्शियसली मैंने पढ़ लिया कि ही टोल्ड मी, बट आपको ऐसी गलती भी नहीं करनी है कि इतनी इंग्लिश सीखनी है कि आप गलतियाँ देखना ही बंद कर दो। टोल्ड टू मी कुछ नहीं होता है, जिसकी वजह से हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बट ध्यान रखना, कई कई बार मेरे साथ ये भी हुआ है कि मैं पढ़ता चला गया और मैंने देखा भी नहीं गलती थी, फिर मैं सोच रहा हूँ गलती क्या थी। तो ऐसे भी नहीं एक्सपर्ट बन जाना है लाइफ में ना कि क्वेश्चन तो सही नहीं हुआ लेकिन मुझे आता बहुत है, तो ये भी नहीं करना है भाई, ठीक है। आई जस्ट ले इन द सन सिंस अ वीक, सिंस के बाद हमेशा नंबर होता है गाइस, कभी भी सिंस के बाद ऐसा नहीं होता है, सिंस अ वीक नहीं होगा, सिंस टू वीक्स हो सकता है, सिंस फाइव ईयर्स हो सकता है, सिंस के बाद नंबर, सिंस इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ नंबर। आपने शॉप्स पे देखा होगा सिंस 1950, सिंस 1960। जस्ट ले इन द सन बाय अ वीक, नहीं मेक डज नॉट सेंस, सिंस ले इन द सन फॉर अ वीक इट वॉज हेवन, बाकी सब में सब कुछ सेम है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है, फ्रॉम अ वीक भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शी यूज हर डैश हैंड, उसने अपना कौन सा हाथ यूज़ किया, कहें तो राइट या तो लेफ्ट, राइट 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 तो नहीं होते हैं, ये राइट की गलत स्पेलिंग होती है, ये लिखने वाला है और ये अलग है, राइट्स परफॉर्म करने वाला है, ड्यूटी परफॉर्म करने वाला, ये राइट है, ये राइट है, इन दोनों में से कोई होगा। हैंड टू डैश अ लेटर,
लेटर को राइट किया होगा या लेटर को राइट किया होगा? लेटर को राइट किया होगा, लेटर के साथ दंगा थोड़ी कर दिया होगा, ठीक है। आई नीड टू डैश माई फाइल्स टू फाइंड दैट डॉक्यूमेंट, आई नीड टू गो थ्रू माई फाइल्स टू फाइंड दैट डॉक्यूमेंट। एंड ये क्वेश्चन आपके देखिए सॉल्व हो गए, आपको एक्सप्लेन करने के साथ ये क्वेश्चन 13 मिनट्स में सॉल्व हुए हैं। अगर आप बिना एक्सप्लेनेशन के करोगे, जो कि पेपर में ऑफकोर्स आप, तो आपके ये 8 से 9 मिनट में होंगे। मेरा टारगेट है आप बना के चलो कि 7 से 8 मिनट में एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, अच्छी एक्यूरेसी के साथ सॉल्व कर लो। 7 से 8 मिनट में ये हो जाएगा, 2 से 3 मिनट में जीएस हो जाती है, 1 घंटे के पहले 10 मिनट में ख़त्म 2 सेक्शन, 50 क्वेश्चन फिनिश। अब बचे 50 मिनट 50 क्वेश्चन, जिसमें 25 रीजनिंग के 25 मैथ्स के। अब आपको जैसे मर्जी हो, जो स्ट्रॉन्ग हो, रीजनिंग भी हो जाती है 15-20 मिनट में, आधा घंटा मैथ्स के लिए मिलेगा। मतलब ये इतना अच्छा टाइम है ना आपको, क्योंकि उसमें उसमें टाइम लगेगा, उसमें नहीं आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है टोल्ड टू मिनी टोल्ड में होगा, वहाँ नहीं पता चलेगा, वहाँ पेन पेपर उठाना ही पड़ेगा आपको। तो उसके लिए मैं टाइम बचाना चाहता हूँ, मैं सिलेक्शन चाहता हूँ आपका। ये पूरी स्पीड रन इसीलिए है कि आप सिलेक्ट हो पाओ एंड में वहाँ पे। दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। आपको कोई भी क्वेरी हो इसके रिगार्डिंग, इस इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, अगर कोई भी क्वेश्चन ना समझ में आए हों या कोई भी डाउट हो इनसे अलग भी, कॉमेंट में रिप्लाई करो, मैं सारे कॉमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। किसी भी क्वेश्चन, एक से ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं समझ में आ रहे, सबको रिप्लाई करके बता दूंगा उसका आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीक, फिर से हम मॉक करेंगे ऑलिव बोर्ड का। जब तक आप मॉक्स लगाते रहिए, मैथ प्रवीण वाजपेयी ऐप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, क्यूरेटेड कंटेंट है अच्छा, PYQ बेस्ड, इनके मॉक्स जरूर लगाइए, आपकी प्रिपरेशन को बहुत अच्छा एज मिलेगा। थैंक यू फॉर द प्रीशियस टाइम, कीप लर्निंग, गुड बाय।